हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपके लैपटॉप के जरिए से प्रिंट किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिए। आपका प्रिंटर हो, सॉरी, आपका लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, कुछ भी हो चलेगा दोस्तों। आपको बिल्कुल बिल्कुल आप पता चल जाएगा किस तरीके से अपने लैपटॉप से प्रिंट किस तरीके से निकालते हैं। या आप समझो इसे प्रिंटर भी, इसे लैपटॉप भी समझ लो या कंप्यूटर भी समझ लो, दोनों का प्रोसीजर जो है सेम ही रहता है दोस्तों। इसके में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले मेरे चैनल में जो है वीडियो है दोस्तों, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से लैपटॉप को जो है प्रिंटर से कनेक्ट करते हैं दोस्तों। लैपटॉप को प्रिंटर से किस तरीके से कनेक्ट करना है, नहीं तो आपको अगर आता है तो ठीक है दोस्तों, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद में जो है इसका केबल यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है दोस्तों, इसे कनेक्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सब सेटअप है दोस्तों। आप जो है मैं प्रिंट किस तरीके से निकालते हैं दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। आपका लैपटॉप कंप्यूटर भी हो तो इसी तरीके से जो है पहले जो है प्रिंटर को कनेक्ट करना है दोस्तों। वीडियो देख लीजिए मेरे ऊपर ऐड बटन में भी, नहीं तो आ रहा होगा दोस्तों। चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने इसे ओपन करके रखा है, यहाँ पे मेरी एक फोल्डर है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे पॉपअप आएगा दोस्तों। उससे पहले जो है दोस्तों, आपका प्रिंटर कनेक्ट है क्या नहीं देखना है दोस्तों, और प्रिंटर का पावर सप्लाई जो है ऑन है क्या नहीं देख लेना है दोस्तों। देखिए मेरा बंद है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए ये ऑन होने लगा है दोस्तों। ऑन होने के बाद में जो है आप यहाँ पे जो है आवाज़ सुन सकते हैं, प्रिंट करके आवाज़ आ गया दोस्तों। तो चलिए इसे किस तरीके से प्रिंट करते हैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। आपको जो है यहाँ पे कंट्रोल पी मार दिए तो भी प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। चलिए दिखाता हूँ, कंट्रोल पी, ये देखिए प्रिंट का इस तरीके से ऑप्शन आ गया दोस्तों। डायरेक्ट कंट्रोल पी, जो भी आपको प्रिंट करना है वहाँ पे ही वही स्क्रीन पे कंट्रोल पी मार दे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे टॉप राइट पे जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट मारेंगे तो प्रिंट पे जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू बोले तो किस तरीके से प्रिंट होगा ये दिखाएगा दोस्तों। इस तरीके से प्रिंट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो है आप जो है प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, आपका प्रिंटर का नेम देख लेना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं एच पी इन टैंक 319, यानी कि 319 यानी कि 3110 सीरीज़ का है दोस्तों। यहाँ पे ऊपर जो है सबसे पहले जो नेम दिखा रहा है दोस्तों, इसमें जो है इतने सारे होंगे। इसमें जिससे आपका जो लैपटॉप कनेक्ट है उसे, जो प्रिंटर कनेक्ट है उसे सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद में जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, इसमें सब कुछ यहाँ पे पेपर क्वालिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कलर चाहिए तो कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, पेपर क्वालिटी, ड्राफ्ट, नॉर्मल, बेस्ट, क्या चाहिए, मेन ट्रे, आप यहाँ पे सब सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल पेज चाहिए, करंट पेज चाहिए, पेजेस यानी कि वो नेम लिखने का दोस्तों, फर्स्ट पेज, सेकेंड नहीं चाहिए, थर्ड चाहिए, फिफ्थ चाहिए, ऐसा यहाँ पे कॉमा डाल डाल के लिखेंगे तो उस वही ही होगा दोस्तों। और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको दो चाहिए, दो, पाँच, दस, कितने चाहिए उतने कर दीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए एक ही रखूँगा दोस्तों। इसके बाद में जो है ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ दोस्तों इस तरीके से सिंपल क्लिक कर देने के बाद जो है आपका प्रिंटर का काम चालू हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से पेपर अंदर जाने लगा दोस्तों। अब जो है प्रिंट होके यहाँ पे नीचे से आने लगेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके लैपटॉप से हो या आपके कंप्यूटर से बड़ी आसानी के साथ, इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, देखिए जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया था वही प्रिंट होके आ गया दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। इसके अलावा भी कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। आपके लैपटॉप को भी इसी तरीके से प्रिंट करते हैं दोस्तों, आपके कंप्यूटर को भी इसी तरीके से प्रिंट करते हैं। और कुछ भी सवाल हो तो इतने के बाद भी नीचे कमेंट कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। बाय।